हेलो एवरीवन वेलकम टू टेंफिनो दोस्तों एक्सिस ने सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड होल्डर को एक्सिस के सिस्टम में माइग्रेट करने का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट कर दिया है एक्सिस ने सिटी बैंक के जितने भी क्रेडिट कार्ड था उसका रिप्लेसमेंट लॉन्च किया है और सिटी प्रेस्टिज क्रेडिट कार्ड होल्डर को एक्सिस ओलिपस क्रेडिट कार्ड मिलेगा तो आज इस वीडियो में हम लोग एक्सिस ओलम्पस क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे इस कार्ड के फीचर बेनिफिट और चार्जेस के बारे में बात करेंगे और वीडियो के एंड में इस कार्ड के बारे में, में मेरा ओपिनियन क्रेडिट कार्ड के के वेलकम बेनिफिट बारे में बात करें तो इस कार्ड को लेने के बाद आपको टेन थाउजेंड रुपीज का होटल भाउचर मिलेगा और आपके पास ऑप्शन होगा ताज या फिर आईटीसी दोनों में से किसी एक का वाउचर लेने का आपको टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड बोनस एज माइल्स मिलेगा आपको ताज एपी क्यूर में बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा जो कि आपके कार्ड के साथ हर साल रिन्यू होता जाएगा इस कार्ड के मेन बेनिफिट के बारे में बात करें तो इस कार्ड को यूज करके डोमेस्टिक एयरपोर्ट में आप अनलिमिटेड लॉन्च एक्सेस कर सकते हो प्राइमरी और एडॉन दोनों कार्ड होल्डर को ही यह बेनिफिट बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा और आप आपके साथ टेन फ्री गेस्ट भी लेके जा सकते हो लॉन्च में हर साल बिल्कुल फ्री में और इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस के लिए आपको प्रायोरिटी पास का मेंबरशिप मिल जाएगा यह मेंबरशिप प्राइमरी एडॉन सबको मिलेगा और आपको अनलिमिटेड लॉन्च एक्सेस

गोल्फ गेम या फिर गोल्फ लेसन बिल्कुल फ्री में मिल जाता है एक साल में और आप आपके साथ एक फ्री गेस्ट को भी लेकर जा सकते हो डोमेस्टिक गोल्फ कोर्सेस में और ये जो एट फ्री गोल्फ गेम आपको मिलता है इसके ऊपर आप एवरी फिफ्टी थाउजेंड स्पेंट पे वन फ्री गोल्फ गेम या फिर गोल्फ लेसन पा सकते हो इस कार्ड के साथ हर साल बुक माई शो पे बाई वन गेट वन फ्री मूवी टिकट और नॉन मूवी टिकट का ऑफर भी आपको इस कार्ड को यूज करके मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा मूवी टिकट के लिए सिक्स फिफ्टी रुपीज़ का और नॉन मूवी टिकट के लिए वन थाउजेंड रुपीज़ का और ये जो ऑफ़र है मूवी के लिए दो बार और नॉन मूवी टिकट के लिए दो बार एक महीने में आप यूज़ कर सकते हो इस कार्ड में आपको डिस्काउंटेड फॉरेक्स करेंसी मार्कअप चार्जेस का बेनिफिट भी मिल जाता है मतलब आप अगर इंडिया के बाहर ट्रांजेक्शन करोगे इस कार्ड को यूज़ करके तो आपको वन परसेंटेज का फॉरेक्स करेंसी मार्कअप चार्जेस लगेगा नॉर्मली ये थ्री परसेंटेज का होता है इस कार्ड को यूज करके अगर आप तीन नाइट का होटल बुक करते हो डॉट कॉम से तो आपको थर्ड नाइट बिल्कुल फ्री में मिल जाता है और इसको बुकिंग करने के लिए आपको जो कॉन्स्य सर्विस है एक्सिस ओलिपस क्रेडिट कार्ड का उनको कांटेक्ट करना होगा कांटेक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा इस कार्ड के रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में बात करें तो इस कार्ड को यूज़ करके एवरी 100 हंड्रेड रुपीज स्पेंड करने पे आपको वन एज माइल मिल जाता है इंडिया में अगर आप स्पेंड करते हो तो इंडिया के बाहर अगर आप स्पेंड करेंगे तो एवरी 100 हंड्रेड रुपीज स्पेंड करने पे आपको दो एज माइल मिल जाता है और कुछ ऐसे कैटेगरी है जहाँ पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा उसका लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा ट्रांसपोर्टेशन यूटिलिटीज़ इंशोरेंस एजुकेशन गवर्नमेंट फीस पेमेंट वॉलेट रेंट फ्यूल इसमें आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा इस कार्ड के जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो आप डायरेक्टली ट्रैवल एज पोर्टल से रिडीम कर सकते हो फ्लाइट या फिर होटल बुकिंग के लिए या फिर आप आपके एज माइल्स को ट्रांसफर कर सकते हो पार्टनर प्रोग्राम में वन एज माइल इक्वल टू फोर पार्टनर प्रोग्राम का पॉइंट आपको मिल जाएगा मतलब अगर आप वन एज माइल को यूनाइटेड में ट्रांसफर करते हो फोर यूनाइटेड माइल्स आपको मिल जाएगा अगर आप दूसरे कोई भी पार्टनर प्रोग्राम में ट्रांसफर करते हो जैसे कि मैरियट है आईटीसी है बहुत सारे ऑप्शन है तो उसमें आपको एवरी वन एज माइल इक्वल टू फोर पार्टनर पॉइंट का रेट मिल जाएगा मतलब इस कार्ड का जो रिवॉर्ड रेट होगा वो होगा डोमेस्टिक स्पेंड के लिए फोर परसेंटेज एयर माइल्स में और इंटरनेशनल स्पेंड के लिए एट परसेंटेज माइल्स में अगर हम इस कार्ड के जो रिवॉर्ड पॉइंट है मतलब वन पार्टनर पॉइंट इक्वल टू वन रुपीज मानते हैं और जो फॉरेक्स करेंसी मार्कअप चार्जेस है उसको डिडक्ट करते हैं जो रिवॉर्ड रेट है वहाँ से तो हमें मिल जाएगा अबाउट 5.87 परसेंटेज का रिवर्ट रेट इंटरनेशनल स्पेंड पे जो कि बहुत ही अच्छा है मेरे ओपिनियन में इस कार्ड के जो रिवर्ड ट्रांसफर प्रोग्राम है उसके कैपिंग के बारे में बात करें तो एक साल में टोटल आप सेवन लैख फिफ्टी एज माइल्स ट्रांसफर कर सकते हो ग्रुप ए ग्रुप बी दो प्रोग्राम का लिस्ट है एक्सिस के पास और ग्रुप ए में आप 1.5 लाख और ग्रुप बी में सिक्स लैख ट्रांसफर आप कर सकते हो एक साल में इसका जो टोटल डिटेल है वो आपको टीएफ कम्युनिटी पे मिल जाएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा इस कार्ड के चार्जेस के बारे में बात करें तो इस कार्ड का ज्वाइनिंग चार्जेस होगा ट्वेंटी थाउजेंड प्लस जीएसटी और एनुअल फीस भी सेम ट्वेंटी प्लस जीएसटी इस कार्ड में आपको कोई भी फीस रिवर्सल के लिए ऑप्शन नहीं मिलता है इस कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो इस कार्ड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है क्योंकि ये कार्ड अभी तक ऑफिशियली लॉन्च हुआ ही नहीं वैसे मतलब अभी के लिए ये सिर्फ सिटी प्रेस्टिज क्रेडिट कार्ड होल्डर को मिलेगा जिनका सिटी प्रेस्टिज क्रेडिट कार्ड है उनके कार्ड को एक्सिस में एक्सिस ओलिपस क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर किया जाएगा तो अभी के लिए तो उनको ही ये कार्ड मिलेगा जिनके पास सिटी प्रेस्टीज कार्ड है बट फ्यूचर में यह कार्ड सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा जितना अपडेट हमारे पास है उसके हिसाब से लगभग लगभग जुलाई 2024 के बाद यह कार्ड आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे इस कार्ड का जो अनऑफिशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करें तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर सैलरीड कुछ भी हो सकते हो आपका एज मिनिमम 21 ईयर मैक्सिमम 60 या फिर 65 तक होना होगा सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो 65 फाइव हो तो 60 और आपका सैलरी 2 लाख पर मंथ या फिर उसके ऊपर का होना होगा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आई होना होगा आपके पास 24 फोर लैख पर ईयर या फिर उसके ऊपर का और ये अनऑफिशियल क्राइटेरिया है अभी तक ये कन्फर्म नहीं है जब ये कार्ड ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा सबके लिए तब हमें क्लियर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा इस कार्ड का वो पता चल जाएगा दोस्तों इस कार्ड के जो बेनिफिट है वो मेरे ओपिनियन में बहुत ही अच्छे हैं। अगर हम इस कार्ड के चार्जेस के हिसाब से बात करें तो लगभग ओल्ड एक्सिस रिजर्व क्रेडिट कार्ड जैसा बेनिफिट आपको इस कार्ड में नजर आएगा एट ट्वेंटी फीस मतलब एक्सेस रिजर्व क्रेडिट कार्ड में जब डिवेलुएशन नहीं हुआ था तब जो बेनिफिट था लगभग सिमिलर बेनिफिट आपको इस कार्ड पे ट्वेंटी थाउजेंड चार्जेस में ही देखने को मिल जाता है और इस कार्ड के जो रिवर्स सिस्टम है वो भी डिसेंट है मेरे ओपिनियन में पर हाँ इस कार्ड में बहुत सारे लिमिटेशन है जैसे कि आपको बहुत सारे कि जो कैटेगरीज है उसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा जैसे कि यूटिलिटी एडुकेशन फीस पेमेंट गवर्नमेंट पेमेंट इसमें आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा जो कि एक बहुत बड़ा डाउनसाइड है मेरे ओपिनियन में ट्वेंटी थाउजेंड फीस वाला एक क्रेडिट कार्ड में अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी जैसे कि यूटिलिटी एडुकेशन फीस पेमेंट इसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट ना मिले तो ये फिर एक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम सिर्फ इस कार्ड के साथ ही नहीं एक्सिस बैंक के जितने भी क्रेडिट कार्ड है सारे जो सुपर प्रीमियम कार्ड है उसमें आपको ये सारे कैटेगरीज में कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलता जो कि मेरे ओपिनियन में सही नहीं है एक्सिस बैंक कैपिंग लगा सकता था पर टोटली totally रिवॉर्ड ना देना ऐसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मेरे ओपिनियन में तो सही नहीं है आपको क्या लगता है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और ये जो कार्ड है ये पहले तो सिर्फ सिटी प्रेस्टिज क्रेडिट कार्ड होल्डर को ही मिलेगा उनके कार्ड को इस कार्ड में ट्रांसफर किया जाएगा और बाद में जाके ये कार्ड पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा तब आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे ओवरऑल मेरे ओपिनियन में ये कार्ड अच्छा कार्ड है बिल्कुल लेने लायक कार्ड है आप इस कार्ड के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। पर क्वेश्चन ये आता है कि एक्सिस बैंक के साथ इतना हायर वेरिएंट कार्ड इतना चार्जेस वाला कार्ड लेना क्या रिलायबल रहेगा एक्सिस बैंक बिल्कुल भी रिलायबल बैंक नहीं है क्योंकि वो लोग आपको कभी भी नोटिस भेज सकता है आपके पास्ट जो ट्रांजैक्शन है छोटे छोटे ट्रांजैक्शन के लिए भी आपको नोटिस भेज सकता है और आपको बोल सकता है कि आप इन्वॉयस सबमिट कीजिए आपका पर्सनल ट्रांजेक्शन था या बिजनेस वो हमें वेरीफाई करना है तो ये प्रॉब्लम एक्सिस बैंक के सारे कार्ड के साथ है और मेरे ओपिनियन में अगर मुझे एक कार्ड लेना है जो कि ट्वेंटी थाउजेंड चार्जेस वाला कार्ड है या थर्टी थाउजेंड या फिफ्टी थाउजेंड चार्जेस वाला एक कार्ड है तो मैं कभी भी एक्सिस बैंक के साथ वो कार्ड नहीं लूंगा क्योंकि उसका कोई भी गारंटी नहीं रहेगा एक्सिस बैंक कभी भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा और जो रिवार्ड पोर्टल है उनका वो ब्लॉक कर देगा ताकि आप आपके जो रिवार्ड पॉइंट होगा वो भी आप आ, ट्रांसफर या कॉन्वर्ट ना कर सको तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए एक्सिस बैंक के साथ कभी भी मैं एक हायर वेरिएंट कार्ड नहीं लूंगा आप कितना ट्रस्ट करते हो एक्सिस बैंक को आप क्या एक्सिस बैंक के साथ इतना हायर वेरिएंट कार्ड लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा तो दोस्तों बस ये था आज का वीडियो मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम